आप सभी को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बेटी से ही आबाद है सबके घर परिवार, अगर ना होती बेटियां थम जाता संसार। आज डॉटर्स डे पर यही कहूंगी कि हमारी बेटियां हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। आज मेरी सभी बेटियों के लिए मेरी ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी सारी प्यारी स्टूडेंट्स, लव्ड वंस, यंग वंस एंड ओल्ड वंस, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। इस शुभ दिन पर मेरी यही शुभकामना है कि आप सबको वो सब मिले जो आप चाहते हो, आप सबके सारे सपने पूरे हों। आज आप ईश्वर से जो भी मांगो वो आपको मिल जाए। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती हैं या कड़कती सर्दियों में सुहानी धूप होती हैं। बेटियां घर में संगीत की तरह होती हैं, जब बोलती हैं तब सब कहते हैं कितना बोलती हो, चुप भी कर जाओ, और जब खामोश होती हैं तब सब कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है क्या, पापा कहते हैं घर में खामोशी क्यों है, भाई कहता है नाराज है क्या। जब शादी करके चली जाती हैं तब सब कहते हैं देखो घर की रौनक ही चली गई। बेटी भगवान का दिया एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में अलग ही रौनक होती है। बेटियां अपने पिता की परियां तो माँ की राज दुलारी होती हैं। हर सुख में दुख में बेटियां एक दोस्त के रूप में उनके साथ खुशियां और उनके सारे दुख बांटती हैं। बेटियां एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालती हैं। आज इसी मौके पर मुझे एक कविता याद आती है, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब तो शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। घर में माँ का हाथ हटाती हैं बेटियां, पिता की हर बाधा हर जाती हैं बेटियां, कटु बोल बोलने से पहले सोचती हैं खूब, मन में डरती सहमती हैं बेटियां। आज दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बेटियों ने खुद की प्रतिभा को साबित नहीं किया हो। अंतरिक्ष में जाने से लेकर मनोरंजन तक हर जगह बेटियों का बोलबाला है। आज हमारे समाज में जहां पहले लोग बेटी पैदा करने से कतराते थे, आज महिलाएं संतान के रूप में बेटियां चाहती हैं, जिससे बेटियों के प्रति लोगों के बदले नज़रिए का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर के तो कहने ही क्या, बेटियों से घर में अलग ही रौनक होती हैं। बेटियां खुशियों का अंबार होती हैं, जिनके अंदर प्यार ही प्यार छिपा होता है। बेटियां वो होती हैं जो हर रिश्ते को बेहद अच्छी तरह ना सिर्फ निभाती हैं बल्कि रिश्तों की अहमियत व प्यार करना भी सिखाती हैं। वे माँ, बहन, बेटी, दोस्त, पत्नी, दादी, नानी, हर रूप में हर रिश्ते को बेखूबी निभाती हैं। टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू से टू ऑल माई ब्यूटिफुल डॉटर्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू आर ब्रेव, यू आर कैपेबल टू डू एनी थिंग, यू कैन अचीव एनी थिंग, योर हार्ट डिज़ायर्स, यू कैन डू वंडर्स, यू कैन टच द स्काई, यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। डॉटर्स कम एज अ वंडरफुल ब्लेसिंग्स इन टू अ फैमिली डीम्ड बाई मैनी एज लक्ष्मी और दुर्गा। डॉटर्स हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू क्रिएट अ डिलाइटफुल एंड प्लेजेंट ऑरा वेयर एवर दे गो। डॉटर्स डे इज अ डे डेडिकेटेड टू द डॉटर्स इन द फैमिली, सो सेलिब्रेट योर डे विद ग्रेट फन एंड एन्जॉय योर डे एज यू वॉन्ट टू एन्जॉय। छोटा सा मैसेज आप सबके लिए कि बेटियों को इतना सक्षम कीजिए, उन्हें खूब पढ़ाइए ताकि वो जिंदगी के सफ़र में कभी डगमगाए नहीं, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हिम्मत के साथ कर पाएं। बेटियों की शादी से पहले ज़रूरी है उनकी शिक्षा। बेटियां यदि शिक्षित होंगी तो अपनी हर ज़रूरत
खुद पूरी कर लेंगी। उन्हें जीवन में कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बेटियों को पढ़ने दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, बेटियों का हर कदम पर साथ दीजिए। बेटियां कभी पराई नहीं होती, वो हमेशा अपनी होती हैं, हमेशा हमारे साथ रहती हैं। एक बार फिर से आप सबको डॉटर्स डे की बधाई। यदि ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।